हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आप सभी के लिए यार एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। 10% कट ऑफ रिडक्शन की हम लोग बात कर रहे थे। 10% का तो कट ऑफ रिडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 5 का हो गया है। तो दो पॉइंट हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जिनको डिस्कस करना चाहिए। एक तो चेंज ये है कि 3 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कर सकते हो, चॉइस लॉकिंग वगैरह की डेट एक्सटेंड हो गई है। तो जो भी लोग, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि नए कैंडिडेट होंगे, बिकॉज एक एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया चेंज हुआ है, तो उसमें से बहुत सारे न्यू कैंडिडेट होंगे, लेकिन अभी आप डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू वही कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही इनरोल कर सकते हैं जो उसमें एलिजिबल होंगे, पहली चीज। दूसरा चीज ये कि वो पार्टिसिपेट करके करेगा भी क्या, अगर उसका डीम्ड यूनिवर्सिटी का बजट नहीं है तो बहुत सारे स्टेट में आपके मन में क्वेश्चन ये होगा, क्या सर ये सेम रूल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का स्टेट काउंसलिंग पर भी एप्लीकेबल है क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ जी, बिल्कुल एप्लीकेबल है, और अपने अपने स्टेट के जो रजिस्ट्रेशन होंगे सेम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के हिसाब से होने वाले हैं। बहुत ही जल्द सारे स्टेट अपना अपना भी नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। जो लोग यूपी के हैं, यूपी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जाकर रजिस्टर करो, तो आई थिंक उसमें एलिजिबल हो जाएगा, या 1-2 दिन वेट करना, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी 5% कम हुआ है, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि 5% में इनफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे, जितने हमारे पास में सीट्स हैं गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की, जो कि सारी फिल हो जाएंगी, अक्वायर हो जाएंगी। इन केस इसके बाद भी नहीं होता है तो सेकेंड रिडक्शन राउंड भी आ सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल होप नहीं छोड़ने की नहीं होगा, लेकिन एक सेकेंड रिडक्शन राउंड भी आ सकता है। बिकॉज मोस्टली ऐसा होता था कि पहले मॉपअप राउंड हो जाया करता था, जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तब जाके एक रिवाइज कट ऑफ वाला नोटिस आया करता था। वो आपकी स्टेट काउंसलिंग हो या आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, उस केस में 10% का रिडक्शन आया था। इस बार इन्होंने क्या किया, 5% कट ऑफ का रिडक्शन यही मॉपअप में दे दिया है, और ऑलमोस्ट सारी स्टेट काउंसलिंग में ये लोग दे देंगे। तो जरा न्यू जो क्वालिफाइंग कट ऑफ आया हुआ है वो क्या, एक नोटिस है, एक पीडीएफ है, वो मैं दे दूंगा, उसका लिंक जाके अपना डाउनलोड कर लेना। फिलहाल मैंने यहां पर लिख रखा है जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, जो लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है 122 हो गया है 137 से। उसके बाद में एससी एसटी और ओबीसी का क्राइटेरिया 96 हो गया है, जो कि अभी 108 हुआ करता था। 5% रिड्यूस हुआ है, अपना जो एक एक्सपेक्टेशन था कि 10 रिड्यूस होगा, तो जो रिमेनिंग जो 5 इसमें बचेंगे वो लोग भी थोड़ी सी होप रखे आगे आ जाओगे आप। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो 108 है ना, उस केस में, बिकॉज पीडब्ल्यूडी का जनरल में 45% होता है, तो 5% कम हो गया तो 40 हो जाएगा, जो कि पहले जो इन जनरल नॉर्मल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ओबीसी या एससी एसटी का था 108। उसके बाद में 96 में ओबीसी पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी और एसटी पीडब्ल्यूडी का 97 है। तो ये एक तरह का क्वालिफाइंग कट ऑफ है। एक बार मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ, ये है जो कि आपका आया हुआ है ना, इसको एक बार देख लो आप, ये परसेंटाइल रिडक्शन का नोटिस आया हुआ है, ठीक है। एक बार मैं इसको स्क्रॉल करके पूरा दिखाना चाहूंगा आप सभी को, ये इस तरीके से आएगा पूरा। अब इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि यार जो लोग मॉपअप राउंड 3rd में डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इन्होंने सिर्फ उसका जिक्र किया है, स्टेट काउंसलिंग का भी यहाँ पर कोई भी उन्होंने नोटिफिकेशन या अटेंशन नहीं दिया हुआ है। तो एक बार नोटिस में अगर आप देखोगे तो उन्होंने यही यहाँ पर मेंशन किया है कि एनसीआईएसएम और एनसीएच और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है फाइनली कि 5% कम हो जाएगा ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज में, है ना। उस अकॉर्डिंग से इन्होंने रिवाइज कट ऑफ वाली एक शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। ये एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद में एक जो शेड्यूल आया हुआ है जो थोड़ा बहुत एक्सटेंड हुआ है, हाँ, जो लोग जीम यूनिवर्सिटी का प्लान कर रहे हैं तो यार उनका बिल्कुल यहाँ पर एक गोल्डन चांस है, वो लोग डबल ए ट्रिपल सी में जाके पार्टिसिपेट करके अपनी सीट अक्वायर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी 3 अप्रैल तक 3 बजे तक, सेम पेमेंट की आपको 3 घंटे का समय और मिल जाता है, 6 बजे इवनिंग तक रहेगा। उसके बाद में चॉइस फिलिंग सबमिशन वगैरह का 11:55 तक यहाँ पर टाइम रहेगा, मतलब लेट नाइट तक आप चॉइस फिलिंग लॉक वगैरह और सबमिट कर सकते हो अपनी। लॉकिंग की डेट यार लास्ट डे रहती है हमेशा की तरह, तो लास्ट डे से आपका लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और मतलब लास्ट डे तक लॉकिंग दे रखी गई है यहाँ पे। उसके बाद में आपका चॉइस फिलिंग, सॉरी, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो 4 अप्रैल एंड 5 अप्रैल के बीच में सीट अलॉटमेंट के लिए प्रोविजनल लिस्ट जो लोग ये रिलीज करते हैं, वो प्रोविजनल लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में रिजल्ट ऑफ पब्लिक, हाँ, जो फाइनल एक आपका अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड होना होगा वो 5 अप्रैल को मिल जाएगा।
इस तरीके से कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर आपका 5 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा उसमें आपको 10 डेज का रिपोर्टिंग करने का समय मिल जाता है, 6 से 16 अप्रैल तक, ठीक है। इस नोटिस को यार जाके डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल भी परेशान और ड्रॉप करने की नीड नहीं है। अगर आपको यहाँ पर एक कम स्कोरिंग वाले स्टूडेंट को भी एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अभी भी कुछ ऑप्शन, अभी कुछ कैंसलेशन है, उसके लिए आपको हमारी टीम से डिस्कस करना पड़ेगा। बाय बाय।